चलो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए थे। आज चलिए इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसका कैसे हम लोग उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है ना। तो वहां पे जो बच्चों फॉर्मूला आया था उसमें हमने देखा था पी आपका क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी की जो वैल्यू होती है वो आपका लगभग आपका 1/2 के आसपास, मतलब जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की होती है वो आपका 1/2 के आसपास यदि वैल्यू रहता है तो वहां पे उस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। और वहां पे हमने देखा था आपका एन जो होता था वो आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, 10 टाइम्स 20 टाइम्स इस तरह से। अब यदि मान लीजिए आपका एन वेरी लार्ज हो जाएगा और यदि आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सक्सेस का, वो बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम होगा, यानी पी इज वेरी स्मॉल और एन इज वेरी लार्ज, तो उस तरह के क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किससे सॉल्व करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मान लीजिए कोई आपका फैक्ट्री है, उसमें कोई भी आपका मास पे प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसमें अपने लेवल पे वो क्या डिफेक्टिव आइटम नहीं निकालेगा, लेकिन यदि मान लो सपोज करो कि एक 1000 आपका खिलौना बना, उसमें जैसे कि मान लेते एक पीस या दो पीस आपका क्या हो गया डिफेक्टिव निकल गया, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो वहां पे यदि हमको निकालने के लिए भाई 1000 आपका खिलौना प्रोडक्शन है, वहां पे आप कितना 1000 में कितना डिफेक्टिव होगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो वहां पे थोड़ा सा बाइनोमियल से क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो यानी पॉइजन्स के केस में हमेशा आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, और आपका जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा प्यारे बच्चों, जिसको हमने एन से डिनोट किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या होगा आपका वेरी लार्ज होगा। देखिये यहाँ पे इसका लिखा है डिफिनेशन, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल का ही क्या है, लिमिटिंग केस है। इट इज डिराइव व्हेन सक्सेस पी इज वेरी स्मॉल, जहां पे आपका ये जो सक्सेस है पी, ये क्या होता है आपका प्यारे बच्चों, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। दी प्रोबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स। अब देखो यहाँ पे जिस तरह से हमने आपको बाइनोमियल में बताया था कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला यूज होता है, जो आपका आर सक्सेस का जो प्रोबिलिटी का फॉर्मूला होगा वो प्यारे बच्चों क्या होता है, पी एक्स बराबर आर इजकल टू एम पी पावर आर ई टू दी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ठीक है ना। जहां पे आर मतलब क्या, आर सक्सेस की बात हो रही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ जो एम आया वो एम क्या होता है आपका, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको हम बता चुके थे एम क्या होता है आपका, इसको हम लोग एनपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, एनपी। यानी यहाँ पे एम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका एनपी होगा, है ना। ये एम क्या होता है इस फॉर्मूले में, आपका मीन होता है, ठीक है ना। हमने देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे फाइंड आउट किए थे। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस, है ना। जिस तरह से हमने आपको बाइनोमियल में बताया था उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग मीन का डेरिवेशन करेंगे। मीन का डेरिवेशन कभी कभी आपके एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, वेरिएंस का आपका कभी नहीं पूछता है, है ना, क्योंकि वो आपका हायर लेवल का चीज है। बस आपको याद रखना है कि मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका कि मीन एंड वेरिएशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो आपने नोट कर लिया, और प्यारे बच्चों यहां पे आप लिख लेना कि आर जो होगा, ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0, 1, 2, 3, है ना, से एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, मतलब यहां पे आर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्लियर है ना। आपने देखा था बाइनोमियल में जो होता है वो आपका क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू होता है, ठीक है ना। चलिए तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। चलो इसको जल्दी से नोट करेंगे, चलिए देखिए प्यारे बच्चों हम लोग मीन की बात करेंगे। अभी जस्ट हम बताएंगे आपका जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी आपका पी जो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, होता है एम पी पावर आर इंटू ई टू दी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, मीन इसको हम लोग ई आर से डिनोट करेंगे,
और ये होता है समेशन, ठीक है ना, समेशन यहाँ पे आर, ये हो जाएगा आर इंटू आपका क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप देखिए पी यानी एक्स बराबर आर, तो यहाँ पे हम लोग आपका रखेंगे समेशन आर आर, इसका वैल्यू रख देंगे क्या हो जाएगा एम पी पावर आर इंटू ई टू दी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से आर, ये हो जाएगा आर इंटू एम पी पावर आर इंटू ई टू दी पावर माइनस एम, है ना, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, क्लियर है ना, ये आर और आर कैंसिल हो गया। अब समेशन आर, अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे फैक्टोरियल आर माइनस वन है ना, फैक्टोरियल आर माइनस वन है, ऐसा करते हर जगह आर माइनस वन यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे m इंटू एम पी पावर r माइनस वन, हम लोग लिख सकते हैं इसको इंटू ई टू दी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r माइनस वन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा m इंटू ई टू दी पावर माइनस एम समेशन r, ये देखिए आपका अंदर बचेगा m पी पावर r माइनस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r माइनस वन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका बाहर आ गया m इंटू ई टू दी पावर माइनस एम, ठीक है। अब देखो जब इसको हम लोग खोलेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आपका टर्म है जब इसको ये आपका बराबर होता है e टू दी पावर m के, किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, e टू दी पावर m के बराबर होता है, यानी आपका ये जो मीन है यानी आपका e r, ये आपका बराबर होगा m इंटू e टू दी पावर माइनस एम इंटू, अब देखिए ये जो आपका है ये बराबर होता है e टू दी पावर m के, किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों e टू दी पावर, जब इसको हम लोग खोलेंगे ये आपका किसके बराबर होगा e टू दी पावर m, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा m, यानी हम क्या देखे मीन जो है वो आपका m के बराबर, और m प्यारे बच्चों क्या होता है आपका n इंटू p होता है कि नहीं होता है, क्लियर है ना। तो अब देखिए आपका तो क्या देखिए इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका मीन का जो फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग m से डिनोट करेंगे ये क्या होगा आपका np, क्लियर है ना। इसमें भी आपका क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका मीन क्या होता है प्यारे बच्चों np होता है, और इसमें वेरिएंस जो निकालते हैं हम लोग प्यारे बच्चों वेरिएंस ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका वेरिएंस इक्वल टू np के बराबर होता है, क्लियर है ना। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस क्या होता है बराबर होता है, उसका आंसर क्या होगा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक प्यारे बच्चों नोट करके आप लिख लोगे, नोट करके इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पीडी मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, क्लियर है ना, और वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों आपका एनपी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपका मीन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपका डेरिवेशन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये आपका एक्सपेक्टेशन होता है जो कि आप स्टैटिक्स में पढ़ना है, खैर इस पे आपको ज्यादा चर्चा नहीं करना बिकॉज क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टैटिक्स है, तो बस आपको इसका वैल्यू होता है समेशन, है ना, ये समेशन का साइन है प्यारे बच्चों, इस तरह का साइन है आर आर इंटू पी आर, क्लियर है ना। आर का वैल्यू अपना जीरो से लेकर के क्या इन्फिनाइट तक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, इसके बाद इसको देखिए हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद यहाँ पे अब इसका वैल्यू क्या होता है e टू दी पावर m होता है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका मीन का डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ से ये m के बराबर आ गया, और आपको पता है कि m क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका वैल्यू क्या होता है np, यानी इसमें भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका मीन का फॉर्मूला क्या आएगा np, और जब हम लोग वेरिएंस का डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों का आपका क्या आता है np आता है। वो डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, कभी आपके एग्जाम में नहीं आता है, न ही आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है ना, वो बीटेक लेवल का चीज है, बस आपको याद रखना है इनकेस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है ना। अब चलिए ये तो हो गई प्यारे बच्चों आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी, अब इस पे हम लोग देखते हैं कि आपका क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना, जैसे हमने बताया कि कोई फैक्ट्री है, जैसे मान लो बल्ब बना रही है, 10,000 बल्ब निकला, उसमें से मान लेते कितने परसेंट डिफेक्टिव है ना, 1 या 2% मान लो आपका डिफेक्टिव कर देता है प्रोबेबिलिटी, तो आपको फाइंड आउट करने
पूछ देगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि इसमें से दो बल्ब डिफेक्टिव होगा, तीन बल्ब होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा एक आता है जैसे कि हमने बाइनोमियल में फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह से इसमें भी एक कॉमन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है, आप देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन आता है, बिल्कुल यही पैटर्न का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट 2% ऑफ द फ्यूजेज, है ना, 2% ऑफ द फ्यूजेज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए फर्म आर डिफेक्टिव। कह रहा है कि कोई एक कंपनी है, कोई फर्म है जो क्या बनाती है, फ्यूज बनाती है, जिसमें से क्या है 2% क्या है डिफेक्टिव है। 2% ऑफ द फ्यूजेज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए फर्म आर डिफेक्टिव, जितना वो बनाती है उसका 2% क्या है डिफेक्टिव है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूजेज हैज, पहला एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव फ्यूजेस, दूसरा 3 और मोर डिफेक्टिव, और तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, नो डिफेक्टिव। कह रहा कि एक बॉक्स है जिसमें 200 क्या रखा हुआ आपका फ्यूज है ना, तो उस 200 बॉक्स में आपका पहला निकालना है कि एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक क्या होना चाहिए डिफेक्टिव होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। दूसरा है 3 या 3 से ज्यादा डिफेक्टिव होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। और तीसरा प्यारे बच्चे नो डिफेक्टिव, मतलब कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसका आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे फ्यूज का बॉक्स है, उसमें कितना है 200 फ्यूज है, यानी n का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 200। ठीक है ना, और आपका गिवन दैट 2% डिफेक्टिव, यानी p का वैल्यू दिया हुआ 2%, 2% का मतलब होता है बच्चों प्यारे बच्चों 2/100, यानी क्या हो जाएगा 0.02। यहाँ पे देखिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी डिफेक्टिव का निकालना क्या बहुत कम है ना, 0.02 है, क्लियर है ना। अब चलिए हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगाते हैं उसमें m आता है, m क्या होता है मीन, तो मीन आपका क्या होता है प्यारे बच्चों एनपी होता है। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, देखिए तो n का वैल्यू क्या है 200 मल्टीप्लाई 0. क्या हो जाएगा 02 इसको, यानी m का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप जानते हो वी नो दैट, क्या जानते हो प्यारे बच्चों, वी नो दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना जी, वी नो दैट फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या जानते हो आपका P है ना R, यदि R सक्सेस की बात होते, अभी हम जस्ट बताए थे m पे पावर R इंटू ई टू दी पावर माइनस m डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R, क्लियर ना। तो यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू रखेंगे, m का वैल्यू है 4 पे पावर कितना है R है इंटू ई टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R, क्लियर है ना। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ना जो फॉर्मूला है। अब चलिए हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है पी आर ग्रेटर एन इक्वल टू 1, यही हुआ ना, एटलीस्ट कम से कम है ना, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। आप बताइए एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव है, इसका मतलब है आप या 1 लो या 1 से ज्यादा इन्फिनिट तक, इससे बेटर उतना करने से अच्छा है कि 1 माइनस पी लेस देन 1, बात 1 में से क्या करेंगे 1 से कम वाले को घटा देंगे, यानी इसका मतलब हो गया 1 माइनस 1 से कम, यानी क्या हो जाएगा आपका पी 0, यानी आर का वैल्यू क्या, अब इसका वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस पी 0, यानी आर की जगह पे क्या रखेंगे इस फॉर्मूले में हम लोग 0 रखेंगे, यानी 4 पे पावर कितना हो जाएगा 0 इंटू ई टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 0, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखो तो प्यारे बच्चों यहां से, यानी आपका ये जो पहला का आंसर आएगा पी आर ग्रेटर एन इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा आप देखो 1 माइनस, है ना, यहाँ पे देखिए 4 पे पावर 0 कितना हो जाएगा आपका 1, और ई टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 1 होता है, क्या हो जाएगा ई टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका माइनस 4, क्लियर है ना। यदि कैलकुलेटर है तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यदि प्यारे बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करेंगे या नहीं तो आप यहीं पे इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना। यदि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आप आसानी से कर सकते हो, देखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना है ई टू दी पावर प्यारे बच्चों माइनस 4, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आपका आ रहा है कितना 0.9816, क्लियर है ना। तो ये पहला का आंसर हो गया आर ग्रेटर एन इक्वल टू 1, क्लियर है ना, ये पहला का आंसर, ठीक है ना। उसी तरह से आप 3 और मोर डिफेक्टिव, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए।
चलो आपने नोट कर लिया। चलो अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, है ना। दूसरा कह रहा है कि थ्री और मोर डिफेक्टिव, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पे तीन या तीन से ज्यादा, है ना प्यारे बच्चों, तीन या तीन से ज्यादा, यानी इसको क्या लिख सकते हो, आपका R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थ्री। क्लियर है ना। अब तीन या तीन से ज्यादा क्या होगा, इनफिनाइट तक होगा, उससे बेटर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको वन माइनस पी क्या हो जाएगा आपका लेस देन आर। ये देखिए यहाँ पे आर लेस देन थ्री, इसका मतलब ये हुआ, मतलब तीन से कम वाले को वन में से घटा देंगे तो वही बात होगी, तीन या तीन से क्या होगा ज्यादा वाला, तो वन में से क्या करेंगे तीन से कम वाले को घटा देंगे। तो देखो तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिखोगे, वन माइनस, इसका मतलब हो गया आपका पी जीरो प्लस पी वन प्लस क्या हो जाएगा आपका पी टू। ठीक है ना, बात आई समझ में। थ्री नहीं लेना है क्योंकि आपका इक्वल टू इधर आएगा बड़े वाले में, तो ये आपका हो जाएगा, तो यानी इस पे आपका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि तीन इक्वल टू ले लेंगे तो ये फिर इसमें नहीं रहेगा। क्लियर है ना, इसीलिए तीन से लेस, मतलब ये साइन क्या होता है, इधर जब वन माइनस करोगे तो ये साइन क्या होता है प्यारे बच्चों, पलट जाता है। क्लियर है ना, तो जब पलट जाता है तो अब देखिये इसका हम लोग ले लेंगे, अब रख दीजिए सारे वैल्यू को यहाँ पे, जब वैल्यू को रखेंगे तो वन माइनस पी जीरो, यानी इसमें क्या हो जाएगा फोर पे पावर क्या हो जाएगा आपका जीरो इंटू ई टू दी पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल जीरो प्लस पी वन, यानी फोर पे पावर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका वन इंटू ई टू दी पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन प्लस पी टू। पी टू का मतलब क्या हो गया, पी टू का मतलब हो गया आपका फोर पे पावर टू इंटू ई टू दी पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, देखो यहां से, तो यहां से e टू दी पावर माइनस फोर आपका बाहर आ जाएगा, वन माइनस e टू दी पावर माइनस फोर बाहर कीजिए, ये देखिए आपका फोर पे पावर जीरो वन, ये हो जाएगा वन प्लस, यहाँ पे देखिए फोर पे पावर वन फोर, और ये देखिए आपका फैक्टोरियल वन वन होता है, और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन, सिक्सटीन डिवाइडेड बाय क्या टू, यानी कितना हो जाएगा एट, यानी आप इसको कैलकुलेट करोगे वन माइनस आप चार एक पांच आठ पांच तेरह, यानी क्या हो जाएगा थर्टीन ई टू दी पावर माइनस फोर, इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आपका कितना आएगा, वन माइनस थर्टीन मल्टीप्लाइड ई टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका माइनस फोर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वन। क्लियर है ना, यानी आपका आपका जो पी आर ग्रेटर एन इक्वल टू थ्री, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वन। क्लियर है ना, इस तरीके से दूसरा केस आपका क्या है, तीसरा केस है नो डिफेक्टिव, है ना प्यारे बच्चों। नो डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक भी आपका फ्यूज जो है डिफेक्टिव नहीं होगा, यानी आपका पी एक्स मतलब आर बराबर, यहाँ पे हम आर लेके चले थे आर बराबर जीरो, देखिए तो क्या हो जाएगा फोर पे पावर क्या हो जाएगा आपका जीरो इंटू ई टू दी पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल जीरो। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आपका होगा ई टू दी पावर माइनस फोर, और ई टू दी पावर माइनस फोर का जो फॉर्मूला, जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे पावर कितना हो जाएगा माइनस फोर, ये आपका आ रहा है कितना आ रहा प्यारे बच्चों, जीरो पॉइंट जीरो वन एट। क्लियर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड आंसर। इस तरीके से आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व कर, देखो कितना बिल्कुल फॉर्मूला पे रखना है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैड रिएक्शन, है ना, बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, है ना,
कह रहा है कि आपका कोई इंजेक्शन दिया गया जिसका बैड रिएक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना दिया हुआ है आपका 0.001 है ना। कोई इंजेक्शन दिया गया उसका रिएक्शन क्या हो गया बुरा पड़ गया, प्रभाव उसका बुरा हो गया, उसका जो प्रोबेबिलिटी दिया वो कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों 0.001। तो पूछ रहा है कि डिटरमिन द चांस दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल यानी 2000 आदमी पे है ना, 2000 आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका जानवर हो सकता है, 2000 आदमी पे ये आपका इंडिविजुअल तो मोर देन 2 विल गेट ए बैड रिएक्शन। तो 2000 आदमी को दिया गया था, बता बोल रहा है कि आप उसका प्रोबेबिलिटी हमको बताइए कि आपका कम से कम 2 से ज्यादा आदमी पे क्या हो उसका रिएक्शन बुरा पड़ा हो, बुरा रिएक्शन मतलब पड़ा हो 2 से ज्यादा, कहने का मतलब 3, 4, 5 ये हो सकता है 2 से ज्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5 हो सकता है, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई इंजेक्शन का जो बैड इफेक्ट मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका 0.001 बहुत ही कम है, और आपका कितना 2000 इंडिविजुअल यानी n का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना 2000, यानी यहाँ से यदि हम m निकाले तो m होता है आपका एनपी, ये देखिए 2000 गुना 0.001 इसमें गुना कर लेंगे तो प्यारे बच्चों इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा आपका 2 आएगा, क्लियर है ना, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी m का वैल्यू आ गया आपका 2, क्लियर है ना। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कितना आर ग्रेटर देन 2, ये बात आप है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों ना ले लेंगे, 2 से ज्यादा होना था, 3, 4, 5 हो सकता है ना। अब 2 से ज्यादा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब 2000 तक आपको जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा निकालना था, ऐसा करते हैं इसको 1 - p < 2, ये बात आई समझ में, p r < 2 ये निकाल लेते हैं हम लोग है ना। तो देखो तो इसको क्या लिखेंगे 1, अब ये देखो आपका लेस देन 2 यानी ये क्या हो जाएगा p0 + p1 + क्या हो जाएगा आपका p2, ये बात आई समझ में, सबका फॉर्मूला रख दीजिए। तो फॉर्मूला रखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 1 - अब देखिए क्या होता है m पे पावर r, m कितना है 2 है ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 2 पे पावर 0 इंटू e^-2 / 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 इंटू e^-2 / कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू e^-2 / 2 ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - e^-2 बाहर आ गया, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 2 कट गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4/2 यानी क्या हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा आपका 1 - e^-2 2 × 2 = 4 = 5 इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों, सिंपल है, फॉर्मूला पे बस रखना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन से। अब देखिए आपका e^2 क्या है, पावर में लेंगे -2 ठीक है, और यहाँ पे × 5 करेंगे, क्लियर है। तो ये प्यारे बच्चों आपका हो गया 0.32, कितना आ रहा है आपका 0.32 आंसर, क्लियर है ना। तो एक तो आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आएगा, बस आपको समझना है और आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा एक चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं किस तरह से हम लोग फिटिंग करेंगे है ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि स्किल टाइपिस्ट, कोई एक टाइपिस्ट है जो टाइप करता है, स्किल टाइपिस्ट ऑन ए रूटीन वर्क केप्ट ए रिकॉर्ड है ना, वो अपना रिकॉर्ड रखता है ऑफ मिस्टेक मेड पर डे है ना, उससे टाइपिंग में कितना गलती हुआ पर डे उसका वो अपना रिकॉर्ड रखता है ड्यूरिंग 300 वर्किंग डे, 300 दिन का वो अपना मिस्टेक का पर डे वो कितना मिस्टेक करता है वो आपका क्या होता है आपका रिकॉर्ड रखता है। देखो रिकॉर्ड इस तरह से दिया हुआ है, मिस्टेक पर डे है ना, नंबर ऑफ डे मतलब उससे 0 मिस्टेक हुआ उसकी कितने दिन, 143 दिन, 1 मिस्टेक हुआ 90 दिन, 2 मिस्टेक हुआ 42 दिन, 3 मिस्टेक हुआ 12 दिन ठीक है ना, 4 मिस्टेक हुआ 9 दिन, और 5 मिस्टेक हुआ 3 दिन, और 6 मिस्टेक हुआ 1 दिन, ये आपका दिया हुआ है। अब कह रहा है कि
आपका ये जो दिया हुआ डेटा है इससे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालिए, फिट कीजिए इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको ये गिवन दिया हुआ है, ये आपका टेबल दिया हुआ है, है ना। अब हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको फिट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक पर डे, इसको ये एक्स होता है और ये नंबर ऑफ डे यानी ये क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग एक टेबल बनाएंगे, टेबल देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल आप कुछ इस तरह से बनाओगे, यहाँ पे देखिए टेबल आपको इस तरह से बनाना है। ये आपका होता है मिस्टेक पर डे, यानी यहाँ पे देखिए आपका ये आपका एफ हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मिस्टेक पर डे, ठीक है ना, जो एफ से डिनोट होगा। तो क्या क्या दिया है, 0 1 0 मिस्टेक, 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक, 3 मिस्टेक, 4 मिस्टेक, 5 मिस्टेक, और आपका देखो थोड़ा सा जगह नीचे मेरे पास कम है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप चलो थोड़ा सा हम लोग ऊपर बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन हम लोग इसका करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक पर डे है ना, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 0 है ना, और यहाँ पे हम लोग एफ यानी आपका नंबर ऑफ डे बनाएंगे, है ना। यहाँ पे आपका एफ, 0 मिस्टेक कितना दिन हुआ, 143, 1 मिस्टेक कितना दिन हुआ, 90, ठीक है ना। दूसरा 2 मिस्टेक कितना दिन हुआ, 42, 3 मिस्टेक कितना दिन हुआ प्यारे बच्चों आपका, 12 दिन, ठीक है ना। 4 मिस्टेक कितना हो गया आपका, 9, ठीक है ना। 5 मिस्टेक कितना हो गया आपका, 3, ठीक है, ये दिख रहा होगा। और 6 मिस्टेक प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका, 1, क्लियर है ना, ये बात आई समझ में। चलो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समेशन करने के लिए हमारे पास जगह, प्यारे बच्चों थोड़ा सा रुकिए, हम क्वेश्चन को ही आपने लिख लिया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये डेटा ऑलरेडी है, इस डेटा को हम लोग कुछ ऊपर कर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। आपका जो डेटा दिया हुआ है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक्स और एफ, ये देखिए आपका 0 143 192 कितना, 42, और आपका ये डेटा दिया हुआ 3 कितना, 12, और ये कितना दिया हुआ है, 4, 4 मिस्टेक 9 दिन, 5 मिस्टेक 3 दिन, और आपका 6 मिस्टेक प्यारे बच्चों 1 दिन, क्लियर है ना। चलिए ये डेटा हम लोग मिटाते हैं और हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है आपका, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ये दिया हुआ है तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्स। एक्स जो होता है वो क्या है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हो मिस्टेक है ना पर डे, क्लियर है ना। एक्स 0 मिस्टेक होगा, और यहाँ पे ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी आपका, 0 मिस्टेक देखिए कितना, 143, 1 मिस्टेक आपका कितना, 90, दूसरा 2 मिस्टेक करता है 42 दिन, 3 मिस्टेक करता है प्यारे बच्चों 12 दिन, 4 मिस्टेक करता है वो 9 दिन, सॉरी 4 मिस्टेक 9 दिन, और 5 मिस्टेक वो करता है 3 दिन, और 6 मिस्टेक करता है वो 1 दिन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है एक्स एफ, क्या निकालना प्यारे बच्चों, एक्स एफ। तो देखिए एक्स एफ जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, ये क्या हो जाएगा आपका 90, ये क्या हो जाएगा 42 2 कितना हो जाएगा 8 84, 12 3 36 है ना, 9 4 36, और ये कितना हो जाएगा 5 3 आपका प्यारे बच्चों 15, और ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग को समेशन निकाल लेना है, इन दोनों का समेशन हम लोग कर लेंगे। जब इसको समेशन, ये तो आपको पता है ये समेशन एफ कितना हो जाएगा आपका 300, आप देख लो। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, समेशन एक्स एफ ये निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। जब इसको आप जोड़ोगे ये आपका कितना आ रहा है, 267 आएगा। एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं, आपका 90 प्लस कितना आ जाएगा आपका 84 प्लस कितना आ जाएगा आपका 36 प्लस आपका क्या हो जाएगा 15 प्लस कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट कुछ गलती किए हो क्या, 90 84 36 36, अच्छा 2 बार 36 है ना, एक मिनट
नब्बे प्लस चौरासी प्लस कितना हो जाएगा छत्तीस, फिर छत्तीस प्लस कितना हो जाएगा पंद्रह, प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों छह, यानी ये आ रहा है कितना 267, ठीक है ना। चलो ये 267 अब आपको पता है, अब आपको पता है प्यारे बच्चों आपको मीन चाहिए। तो देखिए आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स बार, वो क्या होता है समेशन एक्स एफ डिवाइडेड बाय क्या होता है समेशन एफ, यहाँ पे रखेंगे यानी मीन आपका एम, और ये देखिए आपका समेशन एक्स एफ यानी कितना 267 डिवाइडेड बाय ये आपका क्या हो जाएगा 300। जब इसको प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखिए आपका कितना, हम लोग पहले मीन कैलकुलेट कर लेंगे है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 300 करेंगे, ये आपका आ रहा 0.89, यानी m का वैल्यू आता है 0.89। और आपको पता है m क्या होता है आपका np है ना, np होता है ना। अब यहाँ से n कितना है प्यारे बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पे बताइए कितना आपका वर्किंग डे कितना है 300 है ना, तो 300 जब आपका वर्किंग डे है प्यारे बच्चों तो आपका यहाँ पे जो n का m बड़ा ओ सॉरी एनपी तक कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग रखेंगे किसमें, इसमें देखिए आपका आपका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपका ये आपका पी आर एक्स बराबर आर की बात यहाँ पे हम लोग किए थे, ये आपका होता है एम पे पावर कितना होता है आर इंटू ई टू दी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, एम का वैल्यू रखेंगे 0.89, क्लियर है ना, और इस पे पावर कितना हो जाएगा r इंटू ई टू दी पावर माइनस 0.89 है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r। अब जो अगला टेबल प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे आपका ये पी एक्स बराबर r जो कितना होता है ये आपका यहाँ पे लिख लो कितना 0.89, इस पे पावर कितना कितना है आपका r इंटू ई टू दी पावर माइनस 0.89 है ना डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका टेबल बनाएंगे। चलिए अब देखिए जीरो, अब यहाँ पे देखिए एक भी मिस्टेक नहीं होगा, मतलब जीरो मिस्टेक होगा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जीरो होगा यानी पी जीरो यहाँ पे लेंगे तो पी जीरो क्या हो जाएगा 0.89 इस पे पावर जीरो इंटू ई टू दी पावर माइनस 0.89 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल जीरो। इसको प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये देखिए आपका हो जाएगा e टू दी पावर कितना हो जाएगा पावर में लेंगे माइनस 0.89, ठीक है ना, इसका वैल्यू आपका हो रहा है 0. ये आपका आएगा 0.41, ठीक है ना 0.41 है ना जी 4106 0. क्या आ जाएगा 4106, ठीक है प्यारे बच्चों कितना आएगा 0.4106, क्लियर है ना। अब उसी तरह से आप बताइए P1 कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.89 इस पे पावर कितना 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस 0.89 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.89, ठीक है ना, मल्टीप्लाई e टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस 0.89, ठीक है ना, और आपका डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 क्या होता है आपका 1 ही होता है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों ये आता है 0.0.3654, क्लियर है ना। चलो उसी तरह से आप देखिए P2 निकालिए, P2 इसके करस्पॉन्डिंग P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.89 इस पे पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू टू दी पावर माइनस 0.89 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे 0.89 इस पे स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई अल्फा सॉरी ई टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस 0.89, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट किए ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे इसमें कितना से 2 से, तो ये का ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका कितना 0.1626, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखिए P3 निकालिए, P3 निकालेंगे क्या हो जाएगा 0.89 इस पे पावर कितना 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 0.89 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। इसको कर लेंगे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 0.89 इस पे पावर कितना है 3 है मल्टीप्लाई ई टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस 0.89, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लो और डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 3 यानी 6, यानी कितना हो जाएगा आपका ये आपका प्यारे बच्चों आ रहा 0.048, ठीक है ना
0.4824। क्लियर है ना। चलो ये आ गया। उसी तरह से P4 निकालिए। P4 यानी कितना हो जाएगा 0.89, इसमें पावर कितना होगा 4 इंटू टू दी पावर माइनस 0.89। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा है ना, फैक्टोरियल 4। अब देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 0.89 इसपे पावर कितना है 4 है और हमको मल्टीप्लाई करना है e टू दी पावर, ठीक है ना, उसपे क्या करना माइनस 0.89, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 4, वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 तिया 12 12 दुना 24 है ना, डिवाइड करो 24 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आता है 0.0107। ठीक है ना, बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन करना है इस फॉर्मूले को है ना। अब देखिए यहां से अगेन हम लोग क्या करेंगे, P5 का निकालेंगे। P5 मतलब क्या हो गया 0.89, इस पे पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू टू दी पावर माइनस 0.89 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 है ना, फैक्टोरियल 5। अब देखिए प्यारे बच्चों अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.89 इस पे पावर कितना है आपका 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ई टू दी पावर कितना है माइनस 0.89, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद है आपका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 कितना होगा प्यारे बच्चों आप कर लो, कितना हो जाएगा आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 है ना, 3 दुना 6 ठीक है, 6 पंचे 30 है ना जी, 3 दुना 6 पंचे 30 30 गुना 4 करोगे यानी कितना हो जाएगा 4 तिया 12 120 यानी 120 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों इसका आंसर ये जो आएगा ये आपका हो जाएगा 0.0019। क्लियर है ना, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक आपका निकल गया, ये आपने नोट कर लिया प्यारे बच्चों। चलो इधर हम लोग मिटा रहे हैं, P6 निकाल लीजिए है ना, थोड़ा सा नीचे जगह कम है, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं P6 है ना प्यारे बच्चों, P6 निकाल लेंगे। देखो तो आपका P6 का वैल्यू कितना आएगा, यदि हम लोग यहाँ पे P6 निकालेंगे तो P6 क्या हो जाएगा आपका 0.89, इस पे पावर कितना 6 इंटू टू दी पावर माइनस 0.89 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ रहा है 0.89, इस पे पावर कितना लेंगे 6 लेंगे और आपका मल्टीप्लाई ई टू दी पावर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस 0.89, ठीक, ओहो पावर लेना है माइनस 0.89, ठीक है ना, इक्वल टू, क्लियर है। ये आएगा ऊपर वाला आपका आ रहा है 0.204 है ना, 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 देख लेते हैं प्यारे बच्चों आपका फैक्टोरियल 6 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 ठीक है ना, तो यानी आपका 3 दुना 6 6 आगे 36 36 गुना 4 पंचे 20 यानी 36 दुना 72 720 यानी इसमें डिवाइड कर दो यहां से 720 से प्यारे बच्चों हम लोग डिवाइड कर देंगे है ना, आंसर आपका ये कितना आया था डिवाइडेड बाय 720 है ना, ये वैल्यू आपका आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका आएगा 0.000 कितना हो जाएगा 2 8, क्लियर है ना, तो ये आ गया क्लियर है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये निकल गया आपका प्रोबेबिलिटी सभी पे है ना, 0 मिस्टेक होगा 1 मिस्टेक होगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसमें देखिए ये जितने भी वैल्यू निकले है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना वर्किंग डे है 300 वर्किंग डे है, सब में 300 से प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है ना। अब उसके हिसाब से फिर जो है आपका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ठीक है ना, जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग इसमें करते हैं, चलो आपने नोट कर लिया, जल्दी से आप नोट करेंगे यहाँ पे, चलो ठीक है प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, तो
तो ये तो आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम लोग यहाँ पे चलिए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, देखो यहाँ पे इस वैल्यू को हमारा जरूरत पड़ेगा, पी सिक्स वाला वैल्यू को जरूरत पड़ेगा, ये हम लोग पी सिक्स, चलो पी सिक्स प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको पी सिक्स कितना डायरेक्ट निकल के आया है, मतलब आपका आर बराबर सिक्स ये आ जाएगा 0.00 है ना, 000 है ना, आपका कितना 28, क्लियर है ना। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, तो बताइए वर्किंग डे कितना है ना। अब आपको ये पता है कि आपका ये जो निकला ये क्या है, जीरो, जीरो मिस्टेक का प्रोबेबिलिटी है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसमें 300 से गुना करेंगे है ना, और आपका ये क्या है क्योंकि 300 वर्किंग डे है, ये एक मिस्टेक का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना दशा में प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें यदि प्यारे बच्चों क्या है आपका 300 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, 300 से देखो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा 0.4106 मल्टीप्लाई 300 है ना। तो प्यारे बच्चों आपका ये कितना आ रहा है, 123.18 आ रहा है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, राउंड में करना है 123, आपको क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका राउंड में आएगा 123.8 है, इसको आप 124 कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है ना। हमेशा देखो जो राउंडिंग करेंगे तो हमेशा याद रखना ये जो फ्रीक्वेंसी है 300, तो इसका भी जोड़ करके 300 ही आना चाहिए, लेकिन राउंड फिगर में इस तरह से करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी आपका 300 डे का ही निकलेगा ना, तो यहाँ भी आपका जो राउंडिंग फिगर करेंगे तो वो भी आपका क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, दूसरा वाले को करते हैं प्यारे बच्चों 0.654, इसमें यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 300 से, ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा 109.62, यानी आप इसको क्या कर सकते हो 110, ठीक है ना, ये बात आई समझ में, राउंड फिगर लेना प्यारे बच्चों, राउंड फिगर लेना 110 करेंगे, क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 110 हो गया, तीसरा में देखिए आपका आ रहा है 0.1626 है ना, 0.1626 है, मल्टीप्लाई कर दो 300, क्लियर है ना, 300 करेंगे तो ये आपका आ रहा है 48, ये इसको हम लोग करते हैं 49, क्लियर है ना, 48.78 आ रहा है, क्लियर। तीसरे वाले को प्यारे बच्चों करते हैं 0.048 कितना है, 24 है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, ये आपका आ जाएगा कितना, आपका 14.15, यानी इसको कर देते हैं 15, क्लियर है ना, कितना करते हैं 15 करेंगे, और ये देखो आपका कितना आ रहा है, ये 0.0107 ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 300 से है ना, 0.0107 है ना, ये करेंगे, ये आपका कितना आ रहा है 3.21, यानी इसको आप 4 ले लो, और ये आपका प्यारे बच्चों फिफ्थ वाले को करेंगे तो ये देखिए 0.0019 मल्टीप्लाई 300, क्लियर है ना, ये आपका कितना आ रहा है 0.57, यानी ये 1 हो जाएगा, और इसमें यदि हम लोग 300 से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे ये अप्रोक्स 0 के आसपास होगा 0.00 है ना, 28 मल्टीप्लाई 300 है ना, ये लगभग आपका 0.08, इसको आप जीरो कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप जीरो कर सकते हो। अब देखो इसको यदि हम लोग जोड़े तो जोड़े तो देखो तो कितना आ रहा है, 124 प्लस 110 प्लस कितना आ जाएगा 49 प्लस कितना आ रहा है 15 प्लस कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 4 प्लस 5 कितना 307 आ गया। तो यानी थोड़ा बहुत का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, कहीं कोई मिस्टेक तो प्यारे बच्चों नहीं हुआ है ना, 124 देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, थोड़ा सा मिस्टेक यदि कहीं पे हुआ है तो है ना, पहला वाला सही है पॉइंट, दूसरा वाला देख लेते हैं प्यारे बच्चों 0.89 इस पे पावर मल्टीप्लाई ई टू दी पावर है ना, ई टू दी पावर कितना माइनस 0.89 ठीक है ना, ये हो जाएगा करोगे 0.64, ये भी सही है ना, मल्टीप्लाई 300 कर देंगे, ये आपका 109.110 आ गया ठीक है ना। दूसरा का कर लेते प्यारे बच्चों 0.89 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 0.89 ठीक है ना, इसको कर लेते हैं आंसर, और ये डिवाइडेड बाय कितना है फैक्टोरियल 2 यानी 2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो रहा है, ये भी सही है, क्लियर है ना।
ये भी सही है, और आपका दूसरे वाले को कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 0.89 इसका क्या हो जाएगा क्यूब और मल्टीप्लाई e^2 e^ -0.89, ठीक है ना, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय है ना फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 6, ये भी सही है ठीक है। दूसरा देख लो 0.89 और इस पे पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 आएगा है ना, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका e^α कितना आ जाएगा -0.89 ठीक है, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 3 × 6 = 24 डिवाइडेड बाय 24 ये भी सही है ठीक है। लास्ट वाले को देख लेते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट वाले को आपका है ना, चार वाले में प्यारे बच्चों आपका 4 वाले में थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं 0.0107 × 300 ठीक है 3.21 क्लियर है ना प्यारे बच्चों। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसका 3.21 है, ऐसा करते हैं इसको हम लोग 3 ले लेंगे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, जैसे कि इसका जोर आना चाहिए 300 है ना, ये राउंडिंग पे डिपेंड करता है, इसके लिए कोई इशू नहीं। यदि मान लीजिए आपको थोड़ा ज्यादा भी आ गया तो आपका नंबर नहीं कटेगा है ना, इस राउंडिंग पे आपको जाना पड़ेगा है ना। तो ये जो निकला प्यारे बच्चों इस तरीके से आप जो है इसको चाहे तो प्यारे बच्चों आप ऐसा करो, ये जैसे कि मान लो आपका इसको हम लोग राउंडिंग जब हम लोग करते हैं तो राउंडिंग पे आपका इसके आसपास का वैल्यू आना चाहिए 300 डेज का है ना। तो इस तरह से ये जो आपका निकला, ये आपका क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब इसको लिखोगे कैसे है ना, जब हम लोग आंसर में लिखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम लोग आंसर करेंगे तो आपको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप लिखोगे चलिए तो हम लोग जो लिखेंगे हैंस द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऐसे लिखिएगा हैंस द फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज है ना। यहाँ पे एक्स दोगे, यहाँ पे एफ दोगे। अब देखिए एक्स तो आपका 0 चलेगा, 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकल गया 124 ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद 1 के कोरस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या निकला है 110 क्लियर है ना। उसके बाद 2 के कोरस्पॉन्डिंग प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 49 ठीक है ना। 3 के कोरस्पॉन्डिंग प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 15 ठीक है, और 4 के कोरस्पॉन्डिंग प्यारे बच्चों कितना आ गया आपका 4 के कोरस्पॉन्डिंग आपका प्यारे बच्चों 3 आ गया है ना, और आपका 5 के कोरस्पॉन्डिंग प्यारे बच्चों कितना आ गया आपका 1 आ गया, और 6 के ठीक है ना कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया 0 आ गया क्लियर है ना। 6 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो इस तरह से ये जो निकला ये आपका फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका देखोगे सेम जो है आपका इसी तरह का क्वेश्चन आपका आता है, इसमें कुछ नहीं करना, बस प्यारे बच्चों कैलकुलेशन है, और आपको कोशिश करना है ये जो राउंडिंग हम लोग करते हैं इस राउंडिंग का सम यदि 300 के आसपास आना चाहिए क्लियर है ना। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, है ना, क्योंकि हमको वर्किंग डे 300 दिया हुआ है ठीक है ना। तो हम लोग अब राउंडिंग अपने हिसाब से करते हैं है ना, तो राउंडिंग हम लोग कुछ इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे ताकि वो 300 के आसपास, यदि मान लो नहीं भी आता है तो जो आता है प्यारे बच्चों उसके आसपास आप लिख दोगे, आपका नंबर नहीं कटेगा क्लियर है ना। तो इस तरह से आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है, 2 पैटर्न का क्वेश्चन आता है ठीक है ना। इस पे आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगा उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंपल है, बस हम लोग क्या किए फॉर्मूला में रखते चलेंगे और कैलकुलेटर चलाना है ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।